आपके नाम से कितना शारीरिक शोषण जुड़ गया, कितना महिलाएं पुरुष का शारीरिक शोषण, किसके साथ रिश्ता था, आप आज भी वह पसंद करते हैं कि मैं बाहुबली हूं, ताकतवर हूं, और आप जिस तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए गाली गलौज करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को खूब जानता हूं। आप पूरा देश में नफरत पैदा कीजिए, आप किसी जाति को छोटा बनाइए, किसी जाति को गाली दीजिए, किसी को मारिए काटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत आपकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन सरकार में जब जिम्मेदार जगहों पर है तो जब मेरे नॉलेज में कुछ आएगा तो मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा, बस इतना ही है। मेरी कोई भी भावना को ठेस मैं आपको तो नहीं पहुंचाती, व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी आपको नहीं पहुंचाती, ना मैं आपकी आलोचना करता हूं, ना मुझे कोई आपसे मतलब है। क्लियर हूं मैं, मुझे बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम करने में, मैं ऐसे विवादों से दूर रहना चाहता हूं। अब मैं आपसे क्या कह रहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कल हम लाइव हुए थे और मुझको लगता है कि मैंने कुछ बात आपसे कही थी, फिर मैं दो पहलू पर जाना चाहूंगा। मुझे कष्ट होता है जब कोई, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी सोच हमसे छोटी होगी, आपकी सोच हमसे बड़ी हो सकती है, है मैं मानता हूं मेरी सोच से आप बड़े, मैं यह भी मानता हूं कि आप हमसे बड़े। कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी या कोई भी विधायक जी किसी भी संदर्भ में अपनी बात रखते हैं तो उनको यह जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज दे करके ही कोई बात रखें। जैसे हमारे ही सीमांचल कोसी के कुछ मंत्री, कुछ विधायक, मधेपुरा के, सुपौल के, अन्य जगहों के विधायक, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, आपका प्रॉब्लम पब्लिक होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम जस्टिस होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। मंत्री जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं और आप जिस तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए गाली गलौज करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को खूब जानता हूं। देखिए मंत्री जी, विधायक जी, आप किसी पार्टी, किसी पौवा, किसी जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर आप एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, आप खूब बनिए। आप पूरा देश में नफरत पैदा कीजिए, आप किसी जाति को छोटा बनाइए, किसी जाति को गाली दीजिए, किसी को मारिए काटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो आप जाने, कानून जाने, संविधान क्या कहता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मुझको आप ये बताइए, मुझको आप ये कहिए जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी कोई भी भावना को ठेस मैं आपको तो नहीं पहुंचाती, व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी आपको नहीं पहुंचाती, ना मैं आपकी आलोचना करता हूं, ना मुझे कोई आपसे मतलब है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं यदि मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लिख दूंगा, व्यक्तिगत आपकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन सरकार में जब जिम्मेदार जगहों पर है तो जब मेरे नॉलेज में कुछ आएगा तो मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा, बस इतना ही है, उसमें व्यक्तिगत कोई बात होती नहीं है। जो सांसद जी उत्तर प्रदेश में रह करके जिस तरीके की बात लगातार बोले, मैं कल भी बोला हूं कि सांसद जी आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे,
आपको इतना अकूत पैसा कहाँ से आया, कोई आपकी जमींदारी थी कि आपने देश विदेश से कमाया, आपका क्या किसके साथ रिश्ता था, आप आज भी वो पसंद करते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, ताकतवर, मैं ये सब पसंद नहीं करता, तो आप में मेरे विचारों में फर्क है। आप कौन से अपराधी आपको अच्छा लगता है, कौन सा गेंग अच्छा लगता है, वो आप जानिए, लेकिन मैं कल भी कहा कि आप को अच्छा काम करने के लिए आप सांसद हैं, आप ओलंपिक और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, आप इतने दिन रहे, आपको वर्ल्ड लेवल पर भारत के कुश्ती संघ को ले जाना चाहिए था। आपके नाम से कितना शारीरिक शोषण जुड़ गया, कितना महिलाएं पुरुष का शारीरिक शोषण लोगों ने, मैं आप ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे भाई हैं, आपने शोषण किया। हम भी पहलवान के उस धरना में गए थे जब रो रो कर चिल्ला रहा था कि आपको हटाएं, आप गलत आदमी हैं, हम नहीं कह रहे थे, दुनिया कह रही थी और एक समाज के लोग कह रहे थे। तब तो आपने अपनी जाति का संरक्षण ले लिया, दो मिनट में आप जाति के कृपा लेने की बात कर लिए, लेकिन जब करनी सेना को मार के अध्यक्ष को मारा गया, मेरा सवाल यही है, वहां जुबान क्यों नहीं खुली, वहां आपकी हैसियत और औकात कहाँ चली गई, वहां इतना कायर और कमजोर क्यों हो गए, वहां आपने इस हत्या करवाने वाला गछने वाले का आपने विरोध, या आप क्यों नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज का नेता हूं या मैं क्षत्रिय समाज का बाहुबली हूं। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं ब्रह्म भी हूं, मैं नमो बुद्धाय भी हूं, ना मैं भीम भी हूं, मैं मीम भी हूं, मैं कानू भी हूं, तिलका माझी भी हूं। जब कभी ऐसी कोई भी विचार या कोई भी ताकत जो हमारे देश के संस्कृति को आम, कोई भी एक गरीब आदमी इस दुनिया में जिसको कोई चैलेंज करेगा, आम या खास, मैं अपनी जिम्मेदारी सरकार तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व तो है। सरकार जाने उनको क्या कानून बनानी है, क्या संविधान बनाना है, क्या संविधान की रक्षा करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, ये सरकार जाने। लेकिन कोई एक आदमी भी इस धरती पर, चाहे वो खास हो या आम, लगातार आपके दुनिया के मैसेज आ रहे हैं कि अमुक आदमी से हट जाओ, तो अमुक आदमी इसकी बात ना करो, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम करने में, मैं ऐसे विवादों से दूर रहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआईए प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।